एक एक कदम अगर संत के और महापुरुष के एक कदम एक एक उठा के अगर साधु के पास जाया जाए तो वो एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। ये जो संगत आई है इंडिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आना होता है, अमेरिका आना होता है, तो हम वहाँ करंसी लेके जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अपनी ऊपर जाने के लिए करंसी आपने कौन सी बनाई है? It's growing very rapidly. Sangat over there is growing day by day. And talking about Maharaji, there is no words to explain Maharaji. जिन्ना पंजाब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, महाराज जी की कृपा से हम वहाँ पे आए हैं और महाराज जी के साथ हमारा एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस। जब भी मैं आता तीन दिन कोई चार दिन कल से संगत आ रही है, मैं देख रहा हूँ परसों से सारा कुछ है। फिर महाराज जी से मिलने के बाद पता लगा कि आज हम तो कंगाल हैं, हमसे बड़ा तो कंगाल ही नहीं। इतने बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए, मैं वहाँ लॉयर हूँ तो इतनी बड़ी मकान बिल्डिंगें बना ली है। हम जब नाम राम नाम की करेंसी है, भगवान की करेंसी है, वो इकट्ठी कर लो, जब हम ऊपर जाएं तो हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ पे हमारे भंडारे खुले हो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आई है तो हम लोग महाराज की कृपा से अब इस तरफ जुड़ गए हैं। हम महाराज जी को मिलते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि ये मन की बात हमारी कैसे जान लेते हैं। हम मन में सोच के कुछ जाते हैं और महाराज जी हमारे पहले ही कह देते हैं कि आओ जी ये काम के लिए आए हो, ये काम के लिए आए हो। इतनी महाराज की कृपा है, एनर्जी लेवल इतना बिल्ड हो जाता है कि ऐसे लगता है कि महाराज के साथ सब कुछ आनंदमयी है। तो इस आनंदमयी को आनंद और लेने के लिए, हम महाराज जी से स्पिरिचुअल आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से चल के आए हैं और यहाँ पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बेअंत लोग आए हैं, लाखों में लोग आए हैं और एक अपना ही यहाँ का ऑरा है जो महाराज की कृपा से हम लोग आनंद इंजॉय कर रहे हैं। महाराज की कृपा से इतना लोग जुड़ रही हैं, इतनी संगत जुड़ रही है, जैसे हजूम का जो महाराज जी अब जा रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ ऑस्ट्रेलिया में फिर जा रहे हैं और महाराज की जब हम मैसेज भेजते हैं कि महाराज जी आ रहे हैं तो लगातार लोग हमारे कहने के बिना ही वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। महाराज जी की अपार कृपा है, अपार कृपा इस दुनिया में, क्योंकि आखिरकार तो हमने मर जाना, मृत्यु लोक में जन्म लिया तो मरना भी है। तो फिर सोचा मर के साथ क्या लेकर जाएंगे, ना घर, ना पैसा, ना डॉलर्स, ना कुछ भी नहीं। फिर महाराज जी से पता लगा कि साथ तो नाम जाएगा, भगवान की भक्ति जाएगी, सेवा जाएगी संगत की। फिर हमें गुरु मिला, गुरु से हमें नाम मिला, नाम से हमें भगवान भी मिल गया। गुरु ही हमारा भगवान है। सो वी आर वेरी लकी, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू। हमारे साथ आशीर्वाद है, वो हम लोग वहाँ पे आश्रम बना रहे हैं महाराज जी का, और महाराज जी का जैसे ही यहाँ पे चल रहा है हम वृद्ध आश्रम वहाँ बनाएंगे, वहाँ कार्य मैं वहाँ पे संकट मोचन टेम्पल वहाँ मेलबर्न में वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग सब इसी काम में लगे हुए हैं और महाराज जी के अपार कृपा है। तो आज के समागम के बारे में बताइए, तीन दिन का कार्यक्रम है जो क्या चल रहा है इसके बारे में, आप लोग कहाँ से हैं? मैं अमेरिका से। ओके। न्यूयॉर्क से। ओके। आज मिशिगन का जीत है। नाम चढ़ी कला तेरे पानी सब अदा भला। जो आज जो महाराज जी ने तीन दिन का समागम रखा है, दास धर्म दिवस मना रहे हैं, 44वां दिवस है। तो हम महाराज जी से ऑलमोस्ट 8 साल से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जैसे भी जुड़े हैं लेकिन आज तक कृपा ही रही है महाराज जी की, कृपा ही बरसा रहे हैं, तो सबको कृपा बरसा रहे हैं। सिर्फ तो सिर्फ हम अंधे हैं, हम देख नहीं सकते, देखने के लिए आँख चाहिए, आँखों को वो हमारे को पता नहीं है। आस्ते आस्ते जो महाराज जी समझा रहे हैं हमारे को दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, नया नए 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 सवाल उठते हैं मन में, जो हम महाराज जी से सवाल जवाब करते हैं तो हमारे को जवाब मिलता है उनका। तो ऐसे ही सारी संगत, अमेरिका में भी काफ़ी संगत जुड़ रही है, कनाडा में भी काफ़ी जुड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ रहे हैं और कई कंट्रियों से ऐसी संगत जुड़ रही है कि जैसे कि महाराज जी पूर्ण भगवान ही, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब अदा भला। We started it 3 years ago. Mari Kepanapa, we have a full-on dub bar in USA, New York City. And Alaboli Mayo Nakata, you know, we have no authority, we have nothing here. All of us are on the same level. When we sit with Marji or listen to Marji, we all are one. And he teaches us a way to reach God in many ways, spiritually, meditation, Langar Seva or anything else. So all our foreign countries like Australia, Canada, London come all together for these 3 days.
as one. Doesn't matter if you're a billionaire or if you have nothing. Sab ab ek hain, we all are one. And that's what our message is that it doesn't matter if you're Hindu, Sikh, Kasai, whatever you are, we all come together at the bar, sit on the same floor, and we preach God. So Nanak Naam Jardi Klao, Teri Pane, Sawadha Pane. महाराज जी बहुत बहुत अपार कृपा है कि कनेडा वाले लाइक साढ़े उत्तर दरबार भी हैगा तो संगत बहुत हम हमार के उसे पहुँच रही हैगी है तो बहुत संगत जदों महाराज जी आते सू गुरु लाइक रब के रूप मिले है एक गुरु तो बहुत संगत रोंदी हैगी है तो इन्होंने सू बहुत डाउन टू अर्थ और सेवा करने वास्ते नाम जपने वास्ते बहुत प्रेरित किया है तो उन्होंने सिखाया कि किदा तुम डाउन टू अर्थ रहना है तो किदा तुम संगत न सारे रल मिल के रहना कि प्यार करना सारे तो लाइक उन्होंने बहुत बहुत साढ़े तो अपार कृपा है तो मैं अंत च यही कहूँगी जे ना फिरदा साड़ी बाँह तो असं रुल जाना सगा तो असी किसी भी नहीं चुके सके क्योंकि उन्हें सानू इतने बुलाया साढ़े तो बहुत व्डा अपार कृपा की हैगी है Thank you, Tashi. मैं दास गुरप्रीत मैं दुबई से हूँ मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी विद फिजूल जी सिंस लास्ट 25 इयर्स इन दैट टाइम दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग आई वांटेड टू डू एज एजुकेशन पर्सनली प्रोफेशनली आई एम नाउ अ लॉयर आई हैव लिव इन दुबई एंड फॉर द लास्ट 2 इयर्स वी हैव बीन सो ब्लेस्ड दैट इन अ कंट्री लाइक दुबई इन द मिडल ईस्ट महाराज जी इज ऑल्सो नाउ बीइंग एबल टू डू हिज प्रोजेक्ट There are so many people there. The largest expat community in Dubai is Indian and Pakistani, and everyone is seeking spirituality. Doesn't matter what religion, what walk of life you come from, no caste, no creed, no color. And when Maharaji comes, when Huzur Guru Maharaji comes, the way Dubai lights up, the amount of people we see from royalty, sheikhs, they all come to meet with Guruji. They all want to invite him back. And we are so pleased that now we are pushing this in Dubai and in the Middle East. And hopefully we'll be able to spread Guru Maharaj's message across the world eventually. So on today, this is the 44th. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਸ ਬਾਬ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕੇ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਸ ਦੀਪਾ ਹੂੰ ਜੋ ਯੂਕੇ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਤੇ ਹੈ ਪੀਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੋ ਹਮ ਵਹਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਾਥ किसने दिया उन्होंने किया प्रभु ने किया आपको आपने पाया तो ये सारी की सारी हमारे गुरु महाराज जी ने भारतवर्ष को उस समय खालिस्तानियों से बचाने के लिए जो प्रयास किए एक संत ने नाम पर उनको भगवान के प्रति चरण चरण गुरु एक पेंडा जाए चल सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं तो कृष्ण जी ने जब द्रौपदी जी से भी कहा कि एक ऋषि जब कुछ ऋषि बैठे थे कि नहीं हुआ था तो एक ही साधु संत खड़े हुए गार्डियन में बीबीसी में हम आपको पेपर वगैरह सब अगर मैं दिखाएं तो आप बड़े हैरान होंगे प्रिंस चार्ल्स भी हमारे गुरु महाराज जी के पास आए धन्यवाद देता हूँ आप मेरे आज हमारी कुटिया में पधारे हैं आप लोगों ने तो अब ये दास बनने का प्रयास हो रहा है सब तरफ कि प्रभु की कृपा बढ़े तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं सब लोग आपको पता ये सारे लोग गंदगी में ही हैं तो प्रभु से हम लोग यही बोलते हैं प्रभु हमारी हम जैसे अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते तो प्रभु आपको भी नहीं हम छोड़ सकते आप हमें ऐसे ही पार उतारा करोगे तो वो दास की एक सबसे बड़ी एक प्रथा है जो हमारे गुरु महाराज ने 17 साल में आरंभ किया और 33 साल में अपना मकसद पूरा किया भारत देश से बाहर हिंदुस्तान के बाहर इंग्लैंड में उन्होंने सूरवीरों की तरह और शांतिपूर्वक भारत में ही नहीं धर्म का प्रचार बाहर भी किया और आज जगह जगह दरबार है और उन्होंने कुर्बानी दी शहादत दी किसके विरुद्ध खालिस्तान के विरुद्ध खालिस्तानी उस समय 80s में खालिस्तानियों के लिए कोई बोलता नहीं था और कोई और प्रिंस चार्ल्स प्रभावित हुए उनके कार्यों से जहां झंडे हिंदुस्तान के जलाए जाते थे और वहां पर हमारे गुरु महाराज जी बसिस में अपनी संगत को भेजते थे उनसे उनको रोकने के लिए
और अपनी शहादत दी। जब कहते तो सभी लोग हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो हमारे गुरुजी ने तो 33 साल में शहादत दी ना, तो तभी तो हम आज उनकी शहादत को लेकर आए दास दर पार उतारा कराने के लिए आए। कोई बड़ा काम है भगवान से मिलना, कोई छोटा काम नहीं है। आप कीर्तन होते बिन सत्संग विवेक न हुई, हरी कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न सुने। तो तुलसीदास जी ने अब ये भी कहा इसमें, एक तो ये एक बात हुई, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सुत धारा और धन लक्ष्मी पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। तो ये तो दुर्लभ प्राप्त लोगों को जिनको बुलाएंगे वही आएंगे, कहाँ आ सकता। फ्रेंड्स ये थे संत त्रिलोचनदास जी हमारे साथ और हमारे वीडियो ये जो ये मीडिया के जो भाई बहन हमारे आए हैं इनके लिए जोरदार जरा स्वागत करिए। हम लोग ये तो हमारे नानक नाम चढ़ती कला का पैगाम हम लोगों को मिल गया है। हमारी मेरा नाम है दास बॉब जी, आई बीन अ मेंबर ऑफ दिस मिशन सिंस 1983 विद महाराज दर्शन दास जी।